गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांवों से, इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज फूलदेही का त्यौहार जो है उसका अंतिम दिन है। फूलदेही के वीडियोस आपने बहुत सारे देख लिए होंगे, तो उस फूलदेही त्यौहार का आज लास्ट दिन है। तो लास्ट दिन में अभी हम लोग अपने गाँव में इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पर पूजा करने के लिए हलवा प्रसाद वगैरह बनाया जाता है, तो वो अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है और इसके बाद जंगलों की तरफ जाते हैं। तो आज का दिन यहीं पूरा स्पेंड होता है। चलिए सबसे पहले इस वाली वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो हाय नमस्ते, पहले प्रणाम उत्तराखंड, मेरा नाम है राहुल राणा और आप देख रहे हैं दी यूके 13 ब्लॉगर। यह है साहिल, पता नहीं क्या बोल रहा था, अब नहीं बोल रहा। और मेरे गांव का नाम है बंगराली, जो उखी मटर दुपया में आता है। तो प्योट होने चली करे सामान सुमान देखे रहते सूरी प्योट तो ये लमू सो जोड़े तो इस वाले चौक में बन रहा है पूजा करने के लिए हलवा। और हम लोग जब पहले छोटे थे बचपन में यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, इस वाले वहाँ से और यहाँ तक तो काफ़ी लंबा चौक है ये। तो ज़्यादा लोग तो नहीं दिख रहे हैं गांव में, इतने ही हैं बस, बाकी कुछ बाहर रहते हैं, कुछ इधर उधर नौकरी काम के चक्कर में इधर उधर गए हुए हैं। तो ये हलवा बनाने के लिए तेल डाला जा रहा है। बैटरी कुछ है ये लड्डू भी तो यन्ने बनवा जा तुम थोड़ा सा तो ये देखिए हलवा तैयार हो गया है और यहाँ पे ये हैं फुलहारी बच्चे, तो इनको पहले भोजन कराया जाएगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं जंगल की तरफ, कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं। और एक दिन का खाना जंगली में बनता है, मतलब लंच, सिर्फ लंच वो बनेगा साथ में सबका। तो ये जो रास्ता है ये जाता है जंगलों की तरफ आगे। कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि होली वाली वीडियोस कहाँ गई है, वो दिख नहीं रहे चैनल पर। तो कुछ रीज़न की वजह से मुझे वो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन व्लॉग आते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ से हम लोगों ने पानी भरना है खाना बनाने और पीने के लिए, क्योंकि आगे कहीं भी जंगलों में पानी नहीं है। तो हम लोग पहुंच गए हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हम लोगों ने अपना खाना बनाना है। सामने वाले पहाड़ पे देखिए काफी बर्फ पिघल गई है, जबकि अभी तो काफ़ी समय था इसको पिघलने में, वहाँ तो मतलब मई तक बर्फ़ रहती थी। लेकिन इस बारी देखिए आप, अभी मार्च ही चल रहा है और इतनी जल्दी बर्फ़ पिघल गई है। ये हमारा छोटा सा मैदान है खेल का और खाना वगैरह यहीं पे बना रहे हैं लोग किनारे पे, अभी तो आ रहे हैं धीरे धीरे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर द यूके किन ब्लॉगर को फॉलो जरूर कीजिएगा। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल ही पूरा फॉरेस्ट है, काफ़ी रिच फॉरेस्ट है। और यहाँ पीछे की तरफ इस तरफ हमारा गांव है। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल ही पूरा फॉरेस्ट है, काफ़ी रिच फॉरेस्ट है। और यहाँ पीछे की तरफ इस तरफ हमारा गाँव है। यहाँ पर बैठ के आराम से फ्री फायर खेल रहे हैं, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ नीचे की तरफ है। तो आप खाना खाने की तैयारी शुरू हो गई है, काफ़ी कम लोग आ रखे हैं इस बार, पता नहीं। सो देखिए खाना हमारा आ गया है, वो लंच में बना है सब्जी, ये सब्जी जो हम लेके आए थे, और चौंसा चावल साथ में नींबू उबका। तो मेरा खाना तो हो गया है, अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। कुछ लोग खा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हमने खा लिया है। तो इस वाले वीडियो को, इस वाले ब्लॉग को मेरे ख्याल से इतना ही रखना चाहिए। आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।